Hello students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying at your home. Yes, so in last video, we have started our new chapter that is more about Microsoft Word. Microsoft Word के बारे में आपने 5th class में already पढ़ चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं. यस, और हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि हम उसमें थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमने कोई भी मैटर लिखा है तो उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट थीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार कोई थीम लगाने के बाद हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडेंटिंग अ टेक्स्ट. इंडेंटिंग मीन्स होता है खिसकना. यस, सो अब हम इसे डिटेल में समझते हैं. इन मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट यू मे विश टू इंडेंट ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ. अब आप क्या चाहते हो कि जितने भी आपने मैटर लिखा है उसमें जो पहला पैराग्राफ है, यस, जो भी आपने पैराग्राफ लिखे, बहुत सारे पैराग्राफ लिखे होंगे, तो आप चाहते हो कि जितने भी पैराग्राफ है उनकी फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी इंडेंट हो जाए, यानी हम उसको थोड़ा सा खिसका दें, जो कि क्या करता है, दिस हेल्प्स टू विजुअली सेपरेट पैराग्राफ्स फ्रॉम वन अनदर, जो कि हमें हेल्प करता है कि जो जितने भी हमने पैराग्राफ लिखे वो अलग अलग दिखे, कि ये एक पैराग्राफ है, नेक्स्ट इज अनदर पैराग्राफ. यस, तो वो सेपरेट करता है पैराग्राफ को. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इंडेंट एवरी लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन विच इज़ नोन एज अ हैंगिंग टेक्स्ट. अब हम ये भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, या तो हम फर्स्ट लाइन की जो है उसको थोड़ा सा इंडेंट करें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी जितनी लाइन्स है उस पैराग्राफ में उन सब लाइन्स को हम थोड़ा सा इंडेंट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, हैंगिंग अ टेक्स्ट. क्या कहलाएगा, हैंगिंग अ टेक्स्ट. जैसा कि अभी आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, एक वर्कशीट बनी हुई है आपकी स्क्रीन पर. यस, अब उसमें जो पैराग्राफ हमने लिखा है वो पूरा एक साथ लिखा हुआ है, दिख रहे हैं, है ना. अब हमें क्या करना है कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसको थोड़ा सा इंडेंट करना है. इट मीन्स कि उसे हमें थोड़ा सा पीछे खसकाना है जिससे कि वो पैराग्राफ सेपरेट दिखे. यस, तो हम उसे कैसे कर सकते, टैब की के यूज़ से भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम समझते हैं. ओके, अभी आप अभी देख रहे हो कि वो पूरा एक साथ लिखा हुआ है पैराग्राफ. अब हम उसे इंडेंट करेंगे. देखो, इंडेंटिंग यूजिंग द टैब की. अब हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं किसकी सहायता से, टैब की सहायता से. यस, अ क्विक वे टू इंडेंट इज़ टू यूज़ द टैब की. अगर हमें बहुत जल्दी क्या करना है, बहुत क्विकली अगर किसी भी टेक्स्ट को इंडेंट करना है तो हम किसे यूज़ कर सकते हैं, टैब की को. आपने कीबोर्ड पर देखा होगा साइड में टैब की बनी होती है, यस, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हम उसकी हेल्प से टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं. दिस विल क्रिएट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट ऑफ हाफ इंच. अब क्या कर सकता है, जो टैब है, अगर हमने टैब दबाया फर्स्ट लाइन में, तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट लाइन को हाफ इंच क्या कर देगा, पीछे खसका देगा. यस, जैसा कि आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि उसमें हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होती है, दैट इज़ नोन एज इंडेंटिंग. यस, अब हम अगर हमें इंडेंट करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ टू इंडेंट. अब क्या करना है हमें कि जो इंसर्शन पॉइंट होता है, यस, उसको हम कहाँ पर लाएंगे. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पैराग्राफ लिखा है, तो इस पैराग्राफ के बिगनिंग में, यानी कि स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट लाइन है उसके स्टार्टिंग में हम इंसर्शन पॉइंट लाएंगे. यस, अब इंसर्शन पॉइंट लाने के बाद क्या करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड. अब हम क्या करेंगे कि जो टैब की रहती है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में रहती है, उसको हम प्रेस करेंगे. तो क्या होगा कि जो ऑन द रूलर यू शुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव टू द राइट बाय हाफ इंच. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते कि जो फर्स्ट लाइन है वो क्या हुई कि हाफ इंच राइट में खसक जाएगी, इंडेंट हो जाएगी. यस, तो जैसे ही हमने टैब की प्रेस किया तो वो जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगा कि हाफ इंच राइट में
खिसक जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में ऑलरेडी देख सकते हैं। यस, सो दिस इज नोन एज इंडेंट बाय यूजिंग टैब की। तो अभी हमने टैब की हेल्प से इंडेंट करना जाना था। यस, नाउ अब हम किसकी हेल्प से जानेंगे कि जो इंडेंट मार्कर होता है उसकी हेल्प से हम इंडेंट करना जानेंगे कि उसकी हेल्प से भी हम इंडेंट कैसे कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडजस्टिंग अ फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। अब हम इंडेंट मार्कर की हेल्प से फर्स्ट लाइन को और हैंगिंग इंडेंट के मार्कर से जो बाकी की लाइन्स है उनको इंडेंट करना जानेंगे। यस, सो स्टेप वन इज प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू विश टू इंडेंट और सिलेक्ट वन और मोर पैराग्राफ। अब हमें क्या करना है कि जिस भी पैराग्राफ में हमें जो भी लाइन जितनी भी पैराग्राफ में हमें उसे इंडेंट करना है तो हम वहाँ पर इंसर्शन पॉइंट लाएंगे। ठीक है, अब इंसर्शन पॉइंट लाने के बाद क्या करेंगे, टू एडजस्ट द फर्स्ट लाइन इंडेंट ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर ऑन द रूलर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है जो रूलर बना हुआ है उसमें जो ऊपर का पॉइंट है, यस, इंडेंट मार्कर जो ऊपर वाला दिख रहा है वो क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, हैंगिंग इंडेंट मार्कर, और फिर बीच, फिर सबसे लास्ट में जो एक स्क्वायर शेप का दिख रहा है वो क्या है कि लेफ्ट इंडेंट मार्कर है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि दोनों फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को और हैंगिंग इंडेंट मार्कर को दोनों को एक साथ इंडेंट कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। यस, तो अब कैसे हम क्या करेंगे, तो सो टू एडजस्ट द फर्स्ट लाइन इंडेंट ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर। अगर हमें फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना है, खिसकाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर है उस पर हम क्लिक करेंगे। यस, और अगर हमें बाकी के पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो क्या करेंगे, टू एडजस्ट द हैंगिंग इंडेंट ड्रैग द हैंगिंग इंडेंट मार्कर, तो हम हैंगिंग इंडेंट मार्कर पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे। यस, अब अगर हमें दोनों को फर्स्ट लाइन को भी और हैंगिंग लाइन को भी क्या करना है, इंडेंट करना है, तो क्या करेंगे कि जो स्क्वायर शेप का आपको दिख रहा है लेफ्ट इंडेंट मार्कर उसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि जो पूरा पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, इंडेंट हो जाएगा, खिसक जाएगा। समझ में आया, जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी, सो डोंट वरी। हमने टेक्स्ट को इंडेंट करने के दो मेथड जाने हैं, है ना, पहला टैब की हेल्प से एंड दूसरा इंडेंट मार्कर की हेल्प से। अब थर्ड मेथड है इंडेंट कमांड। अब जो इंडेंट कमांड जो प्रेजेंट होती है, यस, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, होम टैब पर। तो अब हम उसकी हेल्प से टेक्स्ट को इंडेंट करना जानेंगे। यस, सो इफ़ यू वॉन्ट टू इंडेंट ऑल द लाइन्स इन अ पैराग्राफ यू कैन यूज़ द इंडेंट कमांड ऑन द होम टैब। अगर हमें क्या करना है कि पैराग्राफ की जितनी भी लाइन्स है उन सबको इंडेंट करना है, खिसकाना है, तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं कि इंडेंट कमांड की हेल्प से हम उसे इंडेंट कर सकते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, होम टैब पर। जैसा कि बहुत सारे टैब होते हैं, यस, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो जो होम टैब है हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या, इंडेंट कमांड। यस, तो अब इसके लिए हम स्टेप्स कौन कौन सी फॉलो करते हैं वो देखते हैं। तो पहली स्टेप क्या है कि सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू इंडेंट। अब जो भी हमने मैटर लिखा है उसमें जो भी टेक्स्ट को हमें इंडेंट करना है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यस, मेक श्योर यू आर ऑन द होम टैब। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि होम टैब पर है हम या नहीं है पहले ये देखना है, उसके बाद फिर हमें जिस भी टेक्स्ट को इंडेंट करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। यस, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द इंक्रीज इंडेंट बटन। अब क्या करेंगे, हम इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि कैसा होता है आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा है सेकंड पॉइंट जहाँ पर लगा हुआ है। यस,
कि पहला होता है कि कोई से भी बुलेट्स हम डाल सकते हैं, यस। तो बुलेट्स के साइड में क्या होता है, इंडेंट का ऑप्शन होता है। तो इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक द इंक्रीज इंडेंट बटन टू इंक्रीज द इंडेंट बाय इंक्रीमेंट ऑफ हाफ इंच। अगर हमें इंडेंट को इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर डिक्रीज करना है तो उसी के साइड में क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट बटन होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे। यह समझ में आया? तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, इंडेंट हो जाएगा। कितना, हाफ इंच, यस, हाफ इंच वो इंडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीन मेथड जाने जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं, खसका सकते हैं। पहला टैब के की हेल्प से, नेक्स्ट इज इंडेंट मार्कर की हेल्प से, और थर्ड है इंडेंट कमांड की हेल्प से। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं। उसके हमने तीन वेज जाने, तीन मेथड जाने। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इट्स इनफ फॉर द टूडे। Now we will meet in our next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.